कानून की लड़ाई लड़ेंगे, कानून की। पुलिस को किसी तरीके समझाया जाए कि पुलिस को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। पुलिस को जरूर कहो कि भाई गवर्नमेंट इशू आईडी के बिना कनाडा में नंबर इशू नहीं होता। किसी भी नंबर से अगर कोई ने मैसेज आए तो मेरे पे मुकदमा दर्ज हो जाए। पंजाब से पुलिस ने किया था शूटरों को गिरफ्तार। मुख्य आरोपी हरजीत सिंह उर्फ काला के घर हुई थी कुर्की की कार्यवाही। हरजीत सिंह काला ने जारी किया अपना एक वीडियो, बोला कानूनी ढंग से लड़ेगा अपनी लड़ाई। सुरागी लाल न्यूज चैनल द्वारा दिखाई गई थी पल पल की अपडेट। नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागी लाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि कुछ दिन पूर्व काशीपुर के ग्राम कुंडेश्वरी में महल सिंह हत्याकांड होता है। हत्या के पीछे हरजीत सिंह काला, जो कि कनाडा बैठा है, उसका नाम आता है और उसके बाद पुलिस उसको मुख्य आरोपी बनाती है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, हाँ जल्दी कार्रवाई करते हुए पुलिस शूटर्स को पंजाब से धर पकड़ती है। उत्तराखंड पुलिस व पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने इस पर कार्रवाई करते हुए उन शूटर्स को पकड़ा जाता है। इसके उपरांत पल पल की अपडेट सुरागीलाल न्यूज चैनल आपको देता आया है अपने दर्शकों के लिए। इसके बाद कोर्ट द्वारा कुर्की का आदेश पारित होता है, उस पर कार्रवाई करते हुए काशीपुर पुलिस ने कुर्की की गई। इसके उपरांत एक या दो दिन पूर्व ही एक मैसेज आता है महल सिंह, मृतक महल सिंह के परिवार को। धमकी भरा वो मैसेज था, जिस पर काशीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया है। इस पर सोशल मीडिया में आज से ही एक वीडियो जारी किया गया है, जो कि सोशल मीडिया में काफी छाया हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि ये मुख्य आरोपी हरजीत सिंह काला क्या कहता है। नमस्कार, मैं हरजीत सिंह उर्फ काला। मेरी मीडिया जनों से बेनती है कि मेरी ये बेनती को बड़े ध्यान से सुने। देखो, मुझे पता चला है, मैंने सुरागी लाल न्यूज पे देखा कि मेरे खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पंजाब की भाषा बोल रहा हूँ। अच्छा, वो उसमें वो कहते हैं कि किसी ने भेजा कि भाई उसको मैसेज भेजा है जुर्का में किसी को। देखो, बात यह है कि मेरे नाम पे तो एक ही फोन नंबर रजिस्टर है यहाँ पे कनाडा में। कनाडा में फोन नंबर अगर कोई लेने जाता है तो उसकी गवर्नमेंट इशू आईडी रखते हैं, वो उसकी कॉपी मतलब स्कैन करते हैं, उसके बाद फोन होता है इशू। अगर कोई फोन ऐसा है तो जिसके नाम से है तो वो तो हुआ। वैसे तो सरदार महल सिंह के परिवार के काफी बच्चे हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, स्टडी वीजे पे रह रहे हैं या कैसे, और बहुत बड़ा परिवार है इनका, महल सिंह का। तो मेरा कहने का मतलब, ऐसे तो इनके मतलब 20 रिश्तेदार ऐसे होंगे जो कनाडा में रह रहे हैं या यार दोस्त होंगे। तो कोई किसी के फोन से इन्हें मैसेज डाल दे, फोन कर दे, मैं तो उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे नाम पे तो एक नंबर रजिस्टर है। हाँ, अगर मेरे से कोई जाती है कोई ऐसी इनको मैसेज या कोई फोन कॉल, फिर तो कहें मैं मतलब अब मतलब मेरी बेनती है कि पुलिस को किसी तरीके समझाया जाए कि पुलिस को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है कि मतलब किसी भी नंबर से अगर कोई इन्हें मैसेज आए तो मेरे पे मुकदमा दर्ज हो जाए। अब ऐसे तो पर्चे मेरे पे ये 20 पर्चे करा देंगे अगर इनके पास 20 नंबरों से चले गई वो। तो मेरी बेनती है कि इस बात को संज्ञान में लेते हुए मीडिया मेरे मतलब मेरी इस बात में मदद करे, इस मैसेज को चलाओ अपने चैनल पे, और पुलिस को जरूर कहो कि भाई गवर्नमेंट इशू आईडी के बिना कनाडा में मोबाइल फोन नहीं इशू होता, नंबर इशू नहीं होता। तो फिर मतलब ही नहीं है कि भाई ऐसे ना पता चल सके, जिस नंबर से भी कोई धमकी जाती है कुछ जाता है उस नंबर का जांच करें कि ये नंबर किसका है। मेरा नंबर ही है नहीं तो फिर मेरे पे ऐसे तो ये रोज पर्चा कराते रहेंगे। मतलब ये बात गलत है, इसका किसी भी तरीके से मुझे मतलब मेरी मदद की जाए। अब दूसरी बात यह है कि मेरे देखो कानूनी तौर पे मेरे हमारे जो मेरी वाइफ के नाम पे घर है उस पे इन्होंने
कुर्की करवा दी। ऐसी कुर्की कभी देखी नहीं होगी कि भाई दीवारों में लगी हुई ग्रिलें भी उखाड़ ले और वो टीन शेड भी उखाड़ ले, ऐसी कुर्की तो कभी देखी नहीं। पर चलो, मुझे नहीं पता कि भाई कानूनी तौर पे ये वाजिब है या नहीं, ये तो अब वकील ही देखेंगे। मैंने अभी तक कोई वकील भी हायर नहीं किया, मैं देख रहा हूं कि भाई कर लो क्या कर सकते हो, जा है कि नहीं। अब मतलब सारी बातों में मतलब क्या किया जा सकता है, दूर बैठे हैं तो अभी हम तो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। देखो, हर कैनेडियन सिटीजन हो चाहे इंडिया में सिटीजन हो, हर बंदे को सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तो हक देती है ना वकील के थ्रू, वही मैं यूज करूंगा। अब यही कह सकते हैं सारी सिचुएशन में, अब मतलब और इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर लेकिन किसी किस्म की धमकी, किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात जो कि कानून के अंतर्गत ना आती हो, वो मेरी तरफ से ना हुई है ना होगी। कानून की लड़ाई लड़ेंगे, कानून की। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।